चलिए, प्रदेश में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरीके अपना रहे हैं। आज जैसा कि हमने देखा, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर से शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को मास्क पहनाए हैं और लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। पूरे मध्य प्रदेश में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान चलाया जा रहा है। सीएम शिवराज तमाम तरीकों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में संक्रमण के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसको लेकर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि टोटल लॉकडाउन प्रदेश सरकार का आखिरी विकल्प है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि टोटल लॉकडाउन हो, और इसलिए चाहते हैं कि कम से कम नुकसान में लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके, क्योंकि वित्तीय जरूरतें भी प्रदेश की प्रमुख जरूरतों में से है। खासतौर पर लॉकडाउन के चलते रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक रोड शो भी किया था और सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। वहीं मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर से ही शुरुआत करते हुए अपनी धर्मपत्नी और अपने दोनों बेटों को मास्क पहनाए और लोगों को भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बेटों को मास्क पहना रहे हैं और ये तस्वीरें एक संदेश देने का कोशिश कर रही है कि परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसीलिए सभी को मास्क पहनना चाहिए। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आज मैंने अपनी धर्मपत्नी और दोनों बच्चों को मास्क लगाया और यह आग्रह किया कि वो बिना मास्क के कहीं ना जाएं। मास्क ही सुरक्षा है, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए वो मास्क का उपयोग करें। हमने ये भी तय किया है कि यदि कोई बिना मास्क लगाए आएगा तो उससे बात नहीं करेंगे, मास्क नहीं तो बात नहीं, ताकि सामने वाला भाई बहन जो भी हो वो मास्क लगाने के लिए प्रेरित हो। कहीं अगर कोई सामान दुकान पर खरीदना है और मास्क नहीं लगाया दुकानदार ने तो वहां भी यही बात कहेंगे कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। एक अभियान है ये, मैं आप सभी से अपील करता हूं, प्रदेशवासियों से, कि आप स्वयं मास्क लगाएं और अपने परिवार के सदस्यों को मास्क लगवाएं। मैं अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोरोना कोविड को हराना है तो ये जिम्मेदारी केवल शासन प्रशासन किसी एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और इसलिए अगर लड़ना है तो परिवार का हर सदस्य इसमें शामिल है। कोविड से लड़ने के लिए हम सब ये संकल्प लें कि हम अपनी रक्षा तो करेंगे ही, इसके साथ साथ अपने परिवार वालों को हम प्रेरित करेंगे कि अगर पब्लिक प्लेसेस पर वो जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर आसपास लोग हैं, तो सबसे पहले तो बिना मास्क के किसी से संवाद नहीं होगा। मास्क जब पहनेंगे उसके बाद ही संवाद होगा। अगर किसी से बातचीत होगी या लेन देन करनी है, मास्क की तो लेन देन नहीं है। ये एक जन अभियान है और इसलिए अगर हमें कोविड को हराना है तो हम सबको सामने आकर